लेट ए बी सी इज एन एक्सट एंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी इफ बी जीरो कॉमा टू ए सी टू कामा दैन द इक्वेशन ऑफ ए बी इज हो देखो ए बी सी एक आई सो स्क्सट एंगल है ए बी एंड सी इज एन आई सो स्क्सट एंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी बी दे रखा है हमको जीरो कॉमा ए सी दे रखा है हमको टू ए कामा जीरो एंड द इक्वेशन ऑफ ए बी ए बी का इक्वेशन कितना है ए बी का इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू जीरोन द इक्वेशन ऑफ ए सी ए सी का इक्वेशन कितना आएगा देखो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है ना तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ और परपेंडिकुलर इसके मिड पॉइंट पे आएगा तो मिड पॉइंट क्या होगा आपके पास में टू ए प्लस जीरो A by 2. ए बाई टू ये होगा इसका मिड पॉइंट एम लेट ए ट्राइंगल ए बी सी इज एन एसो एक्स ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी अब ये हमारा मिड पॉइंट है तो हम क्या करते हैं ए सी का इक्वेशन लिखना है हमको तो ठीक है तो देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप मल्टीप्लाई करके माइनस वन आएगा ना यानी कि इस लाइन का स्लोप तो मेरे को पता है लेकिन उसके स्लोप से मतलब नहीं है इसका स्लोप के लिए मैं क्या करता हूँ इसके इस पॉइंट को अल्फा की टर्म्स में लिख लेता हूँ तो इधर मैंने एक्स को माना अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री अल्फा प्लस थ्री अल्फा प्लस फोर ए थ्री प्लस फोर ए में फोर ठीक है फोर वाई को सामने भेजो थ्री अल्फा प्लस फोर ए अपॉन में फोर अब इन दोनों का स्लोप स्लोप ऑफ ए एम और स्लोप ऑफ बी सी माइनस वन के बराबर होना चाहिए तो आ जाएगा इधर से ए बाय टू माइनस थ्री अल्फा प्लस फोर ए अपन में फोर इन ए माइनस अल्फा ठीक है और यहाँ से जीरो माइनस ए बाय टू जीरो माइनस ए बाय टू और टू ए माइनस ए ए एक्वल टू में माइनस वन माइनस से माइनस काटो ए से ए काटो टू को सामने भेज दो जैसे ही टू को सामने भेजोगे यहाँ पर क्या करोगे आप फोर ए माइनस टू टाइम्स थ्री अल्फा प्लस फोर ए अपॉन में एट इक्ल टू टू ए माइनस एल्फा टू जाएगा सामने और इधर आ जाएगा ए माइनस एल्फा तो इसको सामने भेज दोगे तो आप कितना आ गया फोर ए माइनस एट ए फोर टाइम्स ऑफ ए माइनस टू फोर जा एट ए माइनस सिक्स एल्फ़ा एकल टू सोलह ए माइनस सोलह एल्फ़ा ठीक है 4A 4A, 16A, minus minus alpha, तो फोर ए माइनस ए टे कितना गया? माइनस सोलह तो यहाँ से मेरे पास आ गया अल्फा का वैल्यू टू ए के इक्वल और जैसे ही अल्फा का वैल्यू टू ए आ गया इसमें पुट करो आप ए सी का इक्वेशन बताना है ना हमको तो अल्फा की जगह लिखा टू ए और ये कितना हो जाता सिक्स प्लस फोर टेन अपॉन टू यानी कि फ़ाइव ए अपॉन में टू तो कितना हो गया इसका इक्वेशन बताना ना मेरे को तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम तो जीरो माइनस फाइव ए अपॉन टू टू ए माइनस टू ए ज़ीरो हो गया x माइनस टू ए ठीक है तो ये जीरो सामने जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू टू ए आ जाएगी ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू टू है ठीक है आगे बढ़ता हूँ